छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल अयोध्या के लिए रवाना हो गए, फिर रामलला के दर्शन करेंगे। इसके पहले डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पत्रकारों से चर्चा की। अयोध्या दर्शन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अयोध्या जाने को लेकर पूरा मंत्रिमंडल उत्साहित है, काफी दिनों बाद मौका आया है। वही संविधान हत्या दिवस मनाने पर उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी, कोई और ऐसा दुस्साहस ना कर सके, इसके लिए यह अध्यादेश लाया गया है। वही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आज मन में उत्साह है, आज पूरा मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ के भतीजे के दर्शन करने जा रहे हैं। वही संविधान हत्या दिवस पर कि कांग्रेस काला कानून लेकर आई थी। उत्साह है, उमंग है, उत्सुकता है कि हम राम लला के दर्शन करके आए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आशीर्वाद लेकर आए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की की कामना करते हुए राम लला के दर्शन करने के जा रहे हैं। 25 जून 1975 वास्तव में श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या की थी सत्ता की खातिर, और कोई प्रकार की हिमाकत न कर सके, और लोगों को मालूम हो कि संविधान की हत्या किसने की, क्यों की, इसलिए 25 जून को संविधान की हत्या दिवस के रूप में याद करना ये आज की आवश्यकता है, और इसलिए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है।